कल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर हुई पुलिस की कार्रवाई के विरोध में आज देशभर में कांग्रेस राजभवनों का घेराव करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने पार्टी दफ्तर में घुसकर नेताओं के साथ बदसलूकी की। राहुल गांधी से ईडी की 3 दिनों तक पूछताछ, विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की हिरासत और नेताओं की धरपकड़ के लिए कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस की एंट्री। कांग्रेस की शिकायतों का अंबार तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल तीसरी शिकायत पर ही एक्शन की तैयारी है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में दिल्ली पुलिस की एंट्री कांग्रेस नेताओं को बहुत ज्यादा खटकी है, इसीलिए आज बड़े स्तर पर नाराजगी जताने का इरादा है। कांग्रेस ने आज देश भर में राजभवनों के घेराव का प्लान बनाया है। सुबह 9:30 बजे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक होगी। बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में सभी सांसद स्पीकर से मिलेंगे। इसके अलावा कल से देश के हर जिले में भी विरोध प्रदर्शन का इरादा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर में जबरन कैसे घुस सकते हैं, कैसे किसी के घर के अंदर जाकर लाठी चार्ज कर सकते हैं? कौन होते होते हो कहने वाले कि आप 5 लोग जाओगे 15 लोग जाओगे? हमारा ऑफिस है, ये रोक लगा दी गई, आर पुलिस हद कर दी, अंदर घुस करके पत्रकारों को भी पीट करके बाहर निकाला, कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया। सुबह हम मिल रहे हैं आपस में, यहाँ पर 10:30 पर बैठ के बातचीत करेंगे, हमें आगे क्या करना। कल कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दिन भर अफरा तफरी का आलम रहा। कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे तो दिल्ली पुलिस भी 3 दिनों से रोक टोक करते करते आजीद आ चुकी थी। पारा दोनों तरफ से चढ़ा हुआ था, लिहाजा धरपकड़ और धक्का मुक्की में भी तेजी थी। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे तो कल ही तुगलक रोड थाने पर FIR दर्ज करवाने पहुँच गए थे। तो आज यहाँ पर हम एक ऑफिशियल पार्टी की ओर से एक FIR यहाँ दर्ज करा रहे हैं, और हमारी पूरी अपेक्षा रहेगी कि जो भी लोग वहां पर जिम्मेदार थे, जिन्होंने इसका आदेश दिया या वहां के जो अधिकारी थे, उन पर उचित कार्रवाई की जाए और FIR उनके खिलाफ दर्ज की जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धारा 144 का उल्लंघन किया। बार बार समझाने की कोशिश के बावजूद ये लोग नहीं माने, इसीलिए जरूरी एक्शन करना पड़ा। हमने ऑफिस बेयरर्स हैं जो पार्टी के, उनको सजेस्ट किया था कि यहाँ पर 144 की धारा लगी हुई है, आप यहाँ पे असेंबली ना करें। अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करना है तो डेजिग्नेटेड प्लेस है जंतर मंतर, वहाँ जाकर आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे 3 दिनों के प्रयास के बावजूद भी कांग्रेस के जो ऑफिस बेयरर्स थे, जो हमारे से बात कर रहे थे, उन्होंने हमारी एडवाइस नहीं ली, इसकी वजह से हमें वहाँ पे कुछ रोड ब्लॉक करना पड़ा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीचे आएं, नीचे आने के बाद बैठ के बात करते हैं। हालांकि बवाल कल दिन के बाद रात में भी जारी रहा। कांग्रेस मुख्यालय पर पुलिसीय एक्शन के विरोध में कल शाम दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल में NSUI के 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। हम आपकी डिमांड को कंसीडर करेंगे और जो आपकी मदद है वो करेंगे। काफी मुश्किल से दोनों युवकों को नीचे उतरने के लिए मनाया गया। मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी हमेशा से जो है गांधी जी को फॉलो करती है, अंबेडकर साहब को फॉलो करती है। हो सकता है हमारा रास्ता गलत हो, लेकिन जिस तरीके से हमें टॉर्चर किया गया है, एकमात्र रास्ता हमें सिर्फ यही दिखाई दिया, इसके अलावा हमें और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया गया है। राहुल गांधी से आज ईडी की पूछताछ नहीं है, उन्हें शुक्रवार को फिर से बुलाया गया है, इसलिए आज के दिन को कांग्रेस बोनस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। सरकार के विरोध के साथ साथ अपने नेता राहुल गांधी के साथ ताकत दिखाने और उन्हें बदले की राजनीति का शिकार बताने के लिए कांग्रेस देश भर में माहौल खड़ा करना चाहती है। लोकतंत्र में विपक्षी दलों के लिए सियासत का रास्ता भी बस यही है। सुप्रिया भारद्वाज के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक।